से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। मैं डॉक्टर हरिशंकर वर्मा, नवाब बांदा चैरिटी अस्पताल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देता हूं। नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर आएंगे। सीएम योगी यहां हरैया के तपसी धाम में शिवलिंग की स्थापना करेंगे, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उनके भव्य स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता किशन शुक्ला का। जी किशन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक बस्ती पहुंचेंगे? जी भी लगभग कुछ घंटों में 1:30 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तपसी धाम जो हरैया में पड़ता है वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे और मंदिर की स्थापना भी करेंगे। जी जी जी, तो यहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जिसके करीब 24 घंटे पहले ही बस्ती प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था। अभी जो देखा जा रहा है, प्रशासन बिल्कुल मुख्यमंत्री के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं और जगह जगह पे पुलिस बैरिकेडिंग भी की गई है। जी प्रिया। जी किशन जी, ये मतलब माना जा सकता है कि धारा 370 हटने के बाद ये मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा होगा? जी बिल्कुल प्रिया, धारा 370 हटने के बाद बस्ती में मुख्यमंत्री का जहाँ तक माना जा रहा है पहला ही दौरा है। और योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और कुछ बस्ती के लिए नई सौगात भी दे सकते हैं। जी प्रिया। चलिए, मतलब उनका जो आगमन होगा, यहाँ का जो दौरा होगा, वो कहीं ना कहीं बस्ती वासियों के लिए एक सौगात लेकर आने वाला है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया। मैं दिल्ली निगम प्रबंधक दयाल केयर सेंटर बहराइच की तरफ से आप सभी लोगों को दिवस एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।